भाई लोगों का कहना ये है, बहुत सुना हूँ मैंने यार, हमें ऐसा लगता है कि हम जाएं, या थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, हम जाएं किसी गाड़ी के नीचे मर जाएं, या फिर इतनी बहुत प्रॉब्लम है। अरे भाई मेरे, तू जितना दिमाग लगा रहा है ना वहाँ मरने में जाने में, उतना दिमाग तू अपना फ्यूचर में लगा देगा ना, तो भाई तुझे तेरे माइंड में ये तो खैर निकल ही जाएगा, ये आएगा ही नहीं, निकल ही जाएगा, तेरे से मरना है मुझे यार, तुझे ये आ जाएगा यार फ्यूचर, अगर तू सोचेगा यार मुझे तो बहुत कुछ करना है, बहुत लंबी ज़िंदगी है। अरे तो भाई तू माइंड में ये क्यों सोच रहा है यार, मुझे मरने जाना है, मतलब नेगेटिव ही जल्दी जाना है, पॉजिटिव ही नहीं होना है। भाई तुम कहते हो यार हम महान बनेंगे, यार खास महान बनोगे यार, नेगेटिव पैदा कर रहे, पॉजिटिव इनडायरेक्ट कर रहे, क्या घास बनोगे भाई? आजकल 100 में से 20% लोग, 20% लोग अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छे नाम से जाने जा रहे हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी 90% है, क्यों है भाई? भाई वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। आजकल तुमने देखा नहीं है क्या, दो पैर नहीं है, दो हाथ नहीं है किसी के, फिर भी वो फेमस है, उसके गाड़ी कार दे सारा पैसा हर कुछ है, क्यों भाई? पॉजिटिव। भाई एक बात बताऊं, जो इंसान सब कुछ हार जाता है फिर भी वो जीत हासिल करता है, पता है क्या? दो जीत हासिल करता है, एक अनुभव कि मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा एक अनुभव, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अनुभव, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है उम्मीद। अगर उम्मीद रखता है, अनुभव तो चलो ठीक है, अनुभव तो ठीक है, उम्मीद अगर वो उम्मीद रखता है ना भाई, उम्मीद वो सोचता है कि मैं फिर से जीत सकता हूँ, मैं फिर से जीत सकता हूँ, अगर वो सोचे ना कि मैं हार गया, अगर ये सोच लेना फिर से जीत सकता हूँ, भाई पॉजिटिव वहीं से पैदा हो सकती है जो उम्मीद रखता हो। अगर वो कह दे मैं जीत सकता हूँ, एक बार जीत सकता हूँ, एक बार मुझे करना चाहिए, एक बार करना चाहिए, तो भाई वहीं वो जीत जाता है। भाई अगर तुमको 100 में से 20% बनना है तो भाई नेगेटिव हटाओ, नेगेटिव भाई, नेगेटिव इंसान के दिमाग में तब तक नहीं रहने चाहिए जब तक वो मर नहीं जाता, मरने के बाद तो नेगेटिव, मरने के बाद भी पॉजिटिव का उच्चारण।